भाई साहब, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ही बंदा है जो रीमेक कंटेंट को भी अपना कंटेंट बना के मूवी बाहर निकालता है। उसे ओरिजिनलिटी एंड प्योरनेस पे जो काम करता है वो अजय देवगन के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। जैसे हमने पहले मूवी भी देख के आए हैं और आज जो मूवी शैतान रिलीज हुई है, भाई माइंड ब्लोइंग, दिस इज द मास्टर पीस। मैंने बस गुजराती मूवी बस नहीं देखी है, इसलिए शैतान मेरे लिए फुल फ्रेश एंड प्योर कंटेंट है और इसने भाई लिटरली मेरे माइंड को ब्लो कर दिया है। एंड वन वर्ड में माइंड ब्लोइंग, इट्स द ऑसम एंड फाड मूवी है भाई। हॉन्टेड, स्कैरियस्ट, जितना डरावना सोच सकते हो उतनी डरावनी मूवी आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन किस एंगल में? एक नए एंगल में। ऐसा नहीं कि आपने भूत डाल दिया, गंदा चेहरा दिखा दिया, ये वो वगैरह वगैरह, बीजीएम नहीं, काला जादू, ब्लैक मैजिक पे ये मूवी पूरी फोकस करेगी। और इस हद तक हो सकता है क्या, मतलब आप खुद एक बार के लिए मजबूर हो जाओगे खुद के ऊपर सोचने के लिए कि यार हमारे घर में अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको ब्लैक मैजिक आता है और हमारे ही घर के किसी बंदे को उसने अपने वश में कर लिया और इस हद तक काम करवाए उससे, मतलब जितनी क्रुएलिटी, जितनी निर्लज्जता हो सकती है ना। आर माधवन के कैरेक्टर से वो सब कुछ निकला है और मूवी दमदार है। लास्ट के 30 मिनट ना आपके थज्जिया उड़ा देंगे, मैं कहूँगा। जो बंदा कहते हैं ना कि भाई मुझे डर नहीं लगता है, मुझे कितनी भी डरावनी मूवी दिखा लो भाई, ये चैलेंज कर रही है आपको और जरूर देख के आना अगर आप ऐसा वाला अपने अंदर एटीट्यूड रखते हैं तो। तो ऐसा शैतान मूवी आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है भाई, इसको रिव्यू करेंगे ऑनेस्टली विदाउट एनी स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मूवी में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि ये मूवी क्यों देखनी चाहिए और इस मूवी को देखने के लिए कितना जिगरा गूदा आपको लेके जाना पड़ेगा इन थिएटर। तो अभी सारी चीजों पर बात करेंगे, कास्ट, प्लॉटिंग, स्टोरी प्लॉटिंग, कंटेंट एंड रीमेक में ये मजेदार है या नहीं उस पे भी। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अब लास्ट के 30 मिनट आपकी थज्जियां उड़ा देंगे क्योंकि मूवी का क्लाइमैक्स जब आर माधवन और अजय देवगन जब आमने सामने होंगे, एक हेल्पलेस फादर जो अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपने बच्ची को बचाने के लिए जिस हद तक जा सकता है वो उस हद तक उस अटैकिंग मोड वाले आर माधवन से फाइट करेगा, जो जिसके पास कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकता है। मतलब उसे ब्लैक मैजिक आता है, उसने पहले ही उस बच्ची को अपने वश में कर रखा है, उससे कभी चाय पत्ती खाने को कह रहा है, उसके हाथ में चाकू पकड़ा रहे हैं अपने पेरेंट्स को बिना सोचे समझे, उसे इस तरीके से एक बटन वाला जो रिमोट होता है ना, उसके हाथ में रिमोट है और वो उसके लिए खिलौना है, वो कुछ भी करा सकता है उससे और वो कुछ भी करा रहा है। जानकी बोधी वाला जो मेन लीड पर है, माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस है, उसने अपने वस मूवी में भी वही काम किया है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्योरीफाई होके जबरदस्त एक्टिंग का तड़का दिया है भाई, आपको ना दया आने लग जाएगी। और जहाँ आपको दया आने लग जाएगी समझ लेना इनकी एक्टिंग सफल हो चुकी है क्योंकि उसका काम ही यही है। दूसरा भाई साहब, आर माधवन के कैरेक्टर की बात करें तो आर माधवन से नफरत हो जाएगी आपको क्योंकि वो स्वीट एंड चार्मिंग एक्टर जिसे हम आज तक देखकर आ रहे थे लेकिन यहाँ पर इतना डार्क, इतना सैवेज, विशियस, जो कुछ भी बोल सकते हो भाई, क्रुएलिटी की हद पार कर दी इस बंदे ने। मतलब जो आर माधवन है उसके बाप की एज का है और कहीं ना कहीं जो जानकी बॉडी वाला है वो उसकी बच्ची की उम्र का है, लेकिन उससे भी वो सब कुछ करवाना, गूजबम्स आपके आएंगे बिल्कुल भी। क्लाइमैक्स वाले पार्ट में फुल गूजबम्स आएंगे और इस हद तक का क्लाइमैक्स इसमें हो सकता है स्कैरियस्ट, डेडलीस्ट सिंगल फाइट में कह सकता हूँ ना, आमने सामने की जो लड़ाई थी आर माधवन और अजय देवगन की, भाई डेडलीस्ट कॉम्बो है ये। दूसरा भाई, इस मूवी में जो डायरेक्टर का नाम था विकास बैल, जहां पर एक बार के लिए शक हो रहा था कि यार गड़बड़ तो ना हो जाए गणपत मूवी की तरह, क्योंकि गणपत को अभी पिछले साल ही आई थी और गणपत जैसा रद्दी माल शायद नहीं किया होगा एक्सपीरियंस, तो वहां से ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा था। लेकिन भाई जिस हिसाब से प्लॉटिंग करेगी, जिस हिसाब से स्क्रीन प्ले डाला है, जिस हिसाब से कैरेक्टर्स को निखार के डाला है, एक दूसरे से कनेक्ट किया है, चाहे वो ईवल एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव का ही करेक्टर क्यों ना हो, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है हेल्पलेस करेक्टर है, दूसरी तरफ नेगेटिव करेक्टर है आर माधवन, और इन दोनों का जब कॉम्बो होगा तो आप एक बार के लिए डिफ्रेंशिएट खुद कर जाओगे कि यार इसके साथ हमें इमोशनली जुड़ना है, इसके साथ हमें नेगेटिव इमोशन के साथ जुड़ना है। तो ये फाइन था उसकी तरफ से, विकास बहल की तरफ से। तो इन द लास्ट अगर एक लाइन पे अगर मैं कहूँ तो मूवी माइंड ब्लोइंग है, स्कैरियस्ट है। बीजीएम, जो बीजीएम ने साथ दिया है, जो भी स्कैरी सीन नॉर्मली हो सकता था पर बीजीएम की मदद से वो डेडलीस्ट स्कैरीस्ट सीन बनाया है। बाकी दिस इज माय रिव्यू, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।